पिछले कई दिनों से सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहे शो कौन बनेगा करोड़पति ने दिन पर दिन बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से शो को ट्रोल किया जा रहा है। शो से एपिसोड के दौरान एक बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से इसे ट्रोल किया जा रहा है। शो पर यह गलती तब हुई जब हॉट सीट पर हरियाणा के प्रतीक कलकल बैठे थे और अमिताभ ने उनसे एक सवाल पूछा। KBC में जब भी सवाल किया जाता है तो वो सवाल ऑडियंस के लिए भी दिखाया जाता है। अमिताभ ने प्रतीक से सवाल 20,000 रुपये के लिए पूछा था। सवाल ये था कि मिर्ज़ा गालिब के एक प्रसिद्ध दोहे की पंक्ति को पूरा करें। दोहा बताकर उसमें डैश लगाया गया था और 4 विकल्प दिए गए थे और कंटेस्टेंट को ये बताना था कि वहाँ पर डैश यानी कि खाली जगह पर क्या आएगा। सवाल का सही जवाब विकल्प ए था और कंटेस्टेंट ने सवाल का सही जवाब दिया था। शो को ट्रोल किए जाने की वजह जो है वो इस सवाल में यूज़ किया गया एक वर्ड है। जिस दोहे की यहाँ बात की जा रही है वो दोहा नहीं एक शेर है, जबकि सवाल में इसे दोहे का नाम देकर पूछा गया है। मालूम हो कि इससे पहले भी शो में गलत सवाल पूछा गया था जिसका विरोध होने के बाद कंटेस्टेंट को शो में वापस बुलाकर शो को आगे बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर शो में ये गलती हुई है जिसकी वजह से शो को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।